अफ्रीका में चला मोदी का मैजिक, पाकिस्तान को लग रही है मिर्ची। जी हाँ, इधर मोदी का जहाज अमेरिका की धरती पर उतरा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मानो हवा निकल गई। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दो ताकतवर देश एक साथ मंच पर आएंगे। मोदी का यह दौरा दुनिया के सामने भारत के बढ़ते कद और भारत की ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत भी होगा। बस इसी सब को लेकर पाकिस्तान के वजीर आजम की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब की बार मोदी एक दो नहीं बल्कि 6 दिन अमेरिका में बिताएंगे। और जब तक मोदी अमेरिका में रहेंगे, दुनिया के नेताओं से मिलते रहेंगे, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ती रहेंगी। लेकिन जिस पर सबकी नजर है वो है ह्यूस्टन में होने वाले मेगा इवेंट पर, जहां मोदी भारतीय मूल के 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी अपनी दमदार आवाज में इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे, तो उधर पाकिस्तान की हवा भी जरूर निकलेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर बात जरूर होगी। पीएम मोदी आतंकवाद और चरमपंथी विचारों का प्रचार प्रसार रोकने की रणनीति पर संबोधित करते नजर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र संबोधन में पाकिस्तान के नाम का जोर शोर से जिक्र भले ही ना आए, लेकिन सीमा पार आतंकवाद की करतूतों और इस वैश्विक बीमारी से निपटने की बातों का उल्लेख करते हुए नजर आने की उम्मीद जरूर है। मोदी के भाषण में अनुच्छेद 370 पर नहीं होगी बात। भारत ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएन भाषण में जम्मू कश्मीर या धारा 370 को हटाए जाने के फैसले का कोई जिक्र नहीं होगा। विदेश सचिव के मुताबिक ये फैसला भारत का अंदरूनी मामला है, लिहाजा इस मुद्दे पर पीएम यूएन में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। और वहीं मोदी जी ने भी कई बार साफ कर दिया है कि ये हमारी समस्या है, हम खुद सुलझा सकते हैं। यूएन सुधार की पुरजोर वकालत पीएम की प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी के एजेंडे में यूएन सुधार का मुद्दा भी अहम होगा। विदेश मंत्रालय अधिकारियों के मुताबिक भारत लगातार ये मांग करता आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप बदले वक्त की जमीनी हकीकत के अनुरूप होना चाहिए। विदेश सचिव के मुताबिक पीएम इस मत के पैरोकार हैं कि स्थिरता के लिए बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था ही केंद्र है, हालांकि ये व्यवस्था दुनिया की वर्तमान वास्तविकता के मुताबिक होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि जैसे जैसे मोदी इन मुद्दों पर बोलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की क्या हालत होगी, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और मोदी के इन भाषणों की गूंज पाकिस्तान में जरूर गूंजेगी। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।